नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा में दो मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर, युवक घायल। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर हो गई। घटना में एक बाइक सवार घायल हुआ है, जिसका पैर फ्रैक्चर होना बताया जाता है। घटना की जानकारी 108 एम्बुलेंस को दी गई, तो मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने घायल को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। घायल युवक से चोरहटा थाना क्षेत्र के वीरखाम का बताया जाता है। घटना के संबंध में 108 एम्बुलेंस के एमटी सुभाष सिंह ने बताया कि दूसरा बाइक चालक मौके से फरार हो गया है, घायल का अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना ढेकहा तिराहे की बताई जाती है। आइए जानते हैं एम्बुलेंस चालक सुभाष सिंह ने क्या कहा। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। भैया, मेरा नाम सुभाष सिंह है और 108 में हम एमटी हैं। और ये एक घटना हुई है, एक्सीडेंट की, अभी ढेकहा में हुआ था। ये बाइक से और बाइक लड़ गए हैं, है ना। ये जो पेशेंट लाए हैं, इनके पैर में इंजरी है, पैर फ्रैक्चर है, और बाकी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ये भीर काम के हैं, शिवेन नाम है इनका। ये घटना ढेकहा में हुई है, करहियस पहले ढेकहा है, वहाँ पर घटना हुई है। ये घटना हुई है लगभग, मान के चलिए 15-20 मिनट पहले की है। हम पहुंच गए हैं 10 मिनट में। ये ढकास लिए हैं इनको, चोट इनके पैर में आई है, लेफ्ट पैर में है, लेसेटेटेड बोन है और फ्रैक्चर की संभावना है। एक्सरे होगा तब समझ में आएगा क्या हुआ है। एक ही लोग घायल है? हाँ, एक ही लोग घायल हैं, दूसरे बाइक वाले चले गए हैं। हम 108 से लेके आए हैं, 108 है अपनी मेडिकल कॉलेज की।